अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आया हूँ अपने घर की छत के ऊपर। सो आज मौसम बहुत अच्छा था और हवा चल रही थी, सो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को यूट्यूब के बारे में बताता हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किया। सो आज के हमारे इस व्लॉग के अंदर मैं आपको यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊँगा कि मैंने यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किया, मुझे किसने मोटिवेशन दी सो मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। सो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो ना यूट्यूब चैनल की प्रमोशन करते हैं या सोशल मीडिया प्रमोशन करते हैं। सो उन्होंने मुझे बताया कि आप भी यूट्यूब चैनल बनाकर उसको प्रमोट वगैरह करवा कर तो यूट्यूब चैनल से अर्निंग कर सकते हैं। सो मैं कोई इतना हाई क्लास फैमिली से तो हूँ नहीं, सो मैंने फिर सोचा कि मैं भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके तो उससे अर्निंग करना शुरू कर देता हूँ। सो मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया। सो फिर मैंने उसके बाद मैंने सोचा कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊंगा। सो फिर मुझे उन्हीं मेरे फ्रेंड ने ही मुझे गाइड किया कि आप यूट्यूब चैनल पर किसी भी किस्म की वीडियोस बना सकते हैं, आप व्लॉगिंग भी कर सकते हैं, आप टेक की वीडियोस भी डाल सकते हैं, उसके बाद आप अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ की तरफ भी जा सकते हैं। सो पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं ना अब अपने इस चैनल के ऊपर अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ किया करूँगा। तो मैंने चैनल पे अनबॉक्सिंग स्टार्ट की, एक दो प्रोडक्ट्स मैंने खुद बाय करके उनकी अनबॉक्सिंग की। और उसके बाद मुझे इतनी अब हर रोज़ जो अनबॉक्सिंग वाला चैनल उसको तो रोज़ की एक वीडियो चाहिए तो फिर वो अच्छा खासा चैनल चल सकता है। मगर मेरे पास कोई स्पॉन्सर भी नहीं था ना कोई चीज़ थी, सो मैं मंथ में एक दो या तीन प्रोडक्ट्स खुद बाय करके तो उनकी रिव्यू किया करता था। सो फिर मैंने सोचा कि यार ये चैनल तो नहीं चल सकता इस तरह जब तक मेरे पास के स्पॉन्सर ना हो। सो मैंने स्पॉन्सर ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसके लिए भी लोग कहते हैं कि आपके 1K सब्सक्राइबर जब कंप्लीट होंगे तो उसके बाद हम आपको स्पॉन्सर देंगे, तो मुझे स्पॉन्सर कहीं से भी नहीं मिल रहा था। सो फिर मैंने अपने फ्रेंड से गाइड ली, उन्होंने मुझे बताया कि आप अपना व्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैंने फिर व्लॉग की तरफ आया और मैंने व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया। सो व्लॉगिंग चैनल के अंदर मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता था और अभी भी मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता, मगर फिर भी मैं टूटी फूटी वीडियोस बनाकर वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो यूट्यूब चैनल पर मैं फिर व्लॉग बनाने शुरू कर दिए और व्लॉग अपलोड करता रहा। सो व्लॉग के आइडियाज़ तो कुछ भी नहीं थे, नॉर्मली अपने डे की जो रूटीन होती है डेली रूटीन आप उसी से अपना व्लॉग शूट कर सकते हैं। अभी भी मैं कॉलेज से वापस आया हूँ, सो कॉलेज से वापस आकर मैंने ये ट्राईपॉड अपना उठाया, उस पर मोबाइल लगाया और मैं व्लॉग बनाने के लिए बाहर आ गया। सो मैंने सोचा कि आप लोग भी यूट्यूब से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, सिर्फ 5 से 7 मिनट की वीडियोज़ बनाएँ, वीडियोज़ बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें, अपलोड करके आप उससे अर्निंग करें। सो अभी भी आपके सामने मैं सिर्फ़ अपने घर की छत पर आकर मेरे पास सिर्फ ये एक अदर ट्राईपॉड है जिसके ऊपर मैं अपनी वीडियोस लगाकर अनबॉक्सिंग की वीडियोस भी शूट करता हूँ, और मैंने उसी ट्राईपॉड पर लगाकर उसको अपने हैंड में पकड़ा है और मैं इसे व्लॉग भी बना रहा हूँ। सो नेक्स्ट व्लॉग भी आपको मैं अपने दिखाता रहूँगा। सो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर तो मेनली डेली रूटीन ही होती है, और आप लोगों को एक मशवरा दूँगा कि आपके पास अगर मोबाइल है या आपके पास लैपटॉप है तो आप भी व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करके आप अपनी डेली रूटीन की इसी तरह जिस तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप भी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करके तो उससे अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट में मेन चीज़ जो आ जाती है वो होती है 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं आपके और 4000 और वॉच टाइम होता है। जब आप ये अपना टारगेट हिट कर लेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा और आप उससे अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। आज की मेरी इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा जंक्स महसूस हो रहे हैं क्योंकि मैं अपने ट्राईपॉड से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, मगर उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है। सो नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट वीडियोस में आप मेरा अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ चैनल भी है, आप उस पर भी जाके मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। सो मैं भी अभी मेरे भी सब्सक्राइबर कोई सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, तकरीबन मैंने भी अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही किया है गाइडेंस लेकर। सो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, मैं क्या ठीक है सर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेते हैं। यूट्यूब चैनल स्टार्ट तो मैंने मोबाइल से किया, मगर मोबाइल पर हमें मेन सेटिंग्स देखने को नहीं मिलती,
मेन सेटिंग जो हम करते हैं वो हम करते हैं अपने उसके लैपटॉप के ऊपर या अपने पीसी के ऊपर। सो मैंने भी अपने लैपटॉप पर और पीसी पर वीडियोज़ एडिट करके, तो मैंने पीसी पर ही मेन सेटिंग्स शुरू की। सेटिंग के अंदर सारी सेटिंग्स करेंगे आप, जिससे आपकी वीडियो का टाइटल, सबटाइटल, टैग्स वगैरह सारा कुछ आप ऐड करेंगे। सो उससे आपका चैनल कभी भी हैक नहीं होगा और आपकी वीडियो सर्चिंग में भी आएगी और वीडियो आपकी रैंकिंग भी करेगी। सो आज की वीडियोस में मैं आपको यही बता रहा हूँ, आज की वीडियो व्लॉग से कहाँ ज़्यादा, व्लॉग तो नहीं मगर मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादा होगी है। सो आप लोग भी अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप अर्निंग करें, तो आप भी व्लॉगिंग की तरफ जा सकते हैं या यूट्यूब चैनल क्रिएट करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको यूट्यूब चैनल के बारे में गाइड किया है, और मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, ये मेरे घर है और ये मैं अपने घर की पिछली छत पर आया हूँ, और ये मैं इंडस्ट्रियल एरिया है तकरीबन, साथ मार्बल की फैक्ट्री है और उसके साथ ये पीछे हमारी छत है जिस पे पीछे एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, और मैं अपनी छत पर ही आ गया हूँ फारिग टाइम में तकरीबन। इधर ही मैं आ जाता होता हूँ, इधर बैठ के अपना कोई कॉलेज का होमवर्क वगैरह या फ्री टाइम पास इधर मैं करता हूँ शाम टाइम। हवा वगैरह भी सही है, मौसम भी सही रह जाता है, तो मैं इधर आ जाता होता हूँ। तो आप भी इसी तरह अपने घर की वीडियोज़, घर में YouTube चैनल की वीडियोस बना सकते हैं। और ये कोई मेरे पास लाइट वगैरह का नहीं है सोर्स, और ये मेन सनलाइट की मदद से ही मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आपके सामने लाइटिंग भी अच्छी है, कोई इशू नहीं आ रहा। सो उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी नई नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिले, और आपके जो फ्रेंड्स जो चाहते हैं कि वो अर्निंग करें तो वो भी इससे गाइडेंस लेके वो भी अर्निंग कर सकते हैं। और सिर्फ आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, आपका इतना सा काम है। मेरा काम है आपको वीडियोस बनाकर प्रोवाइड करूं और आप लोग उसे शेयर करें और आप भी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें। सो थैंक यू, मिलते हैं न्यू व्लॉग में।